और इसी बीच खबर जयपुर से है, जहां राजधानी जयपुर में युवा अरोड़ा वंश सोसाइटी की ओर से एपीएल क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही हैं। एपीएल 2.0 लीग का शनिवार को सोडाला स्थित हीरा रिजॉर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर टूर्नामेंट के आयोजक और लीग में भाग ले रही टीम के खिलाड़ियों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। लीग का फाइनल और क्लोजिंग सेरेमनी 28 अप्रैल को होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका अनुरूका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हम मौजूद है अरोड़ वंश प्रीमियर लीग 2.0 के यहां पे, जिसका एक लीग ऑलरेडी हो चुका है। तो जानेंगे टीम की खासियत और कब से ये शुरू किया और इनकी टीम की खासियत क्या है और टीम में कितने मेंबर्स हैं, वो यहां के मेंबर्स से जानेंगे। कैसा टूर्नामेंट है और कैसा ये सबसे प्रीमियर लीग से अलग है, ये यहां के मेंबर्स से जानेंगे। आपका प्रीमियर लीग कैसा कैसे अलग है? ये अलग है सबसे पहले तो इसीलिए बिकॉज इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, द वेरी फर्स्ट यूथ पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन। युवा अरोड़वंश जो हमारी सोसाइटी है, ये फर्स्ट इनिशिएटिव हम कुछ 8 से 9 लोगों ने, फाउंडर्स ने लिया था। लास्ट ईयर हमने इसका फर्स्ट लीग किया था और ये पूरी पंजाबी कम्युनिटी के अंदर, एटलीस्ट जयपुर में, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट जयपुर में ये एक फर्स्ट इनिशिएटिव था। एंड बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स रहा, जो एंगेजमेंट था पूरी कम्युनिटी का जयपुर के अंदर, बहुत टॉप नॉच जूलर्स NBFCs ने स्पॉन्सर किया एंड इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग सक्सेस। एंड सिमिलरली लास्ट ईयर भी अप्रैल में था, दिस ईयर अगेन वी आर डूइंग इट इन अप्रैल एंड वी हैव ग्रेट स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड। एंड लास्ट टाइम देर वर 10 टीम्स, नाउ वी आर प्लेइंग विद 8 टीम्स। तो ऐसे है। ओके, और आपका जो प्रीमियर लीग है वो एक ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स था, वो कैसा हुआ? नहीं, अमेजिंग। आई थिंक इट वॉज, इट प्लेड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग द इंटायर कम्युनिटी टुगेदर। अभी शाम तक तो फैमिलीज, बच्चे सब लोग आ जाते हैं, देर इज़ अ फूड कार्निवल गोइंग ऑन, देर इज़ म्यूजिक, इट्स लाइक अ फुल ऑन 6-आवर पार्टी दैट गोज ऑन फॉर 2 वीकेंड्स बैक टू बैक। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। कितनी टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और एक टीम में कितने मेंबर्स हैं? इसमें 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं और 10 इसमें प्लेयर्स हैं, प्लेइंग में 8 ही हैं। ठीक है, तो जो आप जो खिलाड़ियों का जो एक वो करते हैं लाइक कि हाँ ये बेस्ट खिलाड़ी है, उनका चयन कैसे करते हैं? वो हमने ऑक्शन से किया है। जैसे इसमें क्या सिस्टम था कि एक एक ओनर और साथ में 2 उसने रिटेन प्लेयर लिए थे, ठीक है, उसके बाद ऑक्शन सिस्टम था और ऑक्शन में उस ओनर ने अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज से जो प्लेयर्स हैं वो परचेज किए हैं। अब बेसिकली तो ये मेन बात तो ओनर्स को और कैप्टन को ज़्यादा पता है कि उन्होंने किस प्लेयर में क्या देखा, कैसे किया। तो आपके प्लेयर्स की बेस्ट मतलब खासियत क्या है उन लोगों की? प्लेयर्स की खासियत क्या, प्लेयर्स की खासियत या अरोड़ वंश जो प्रीमियर लीग है उन सब की क्या खासियत है? उन सब की खासियत, हमारा जो मेन मुद्दा जो इसके अंदर है, जो हम लोग मेन मोटिव लेके चल रहे हैं, वो ये है कि सब लोग मिलजुल के भाइयों की तरह आपस में खेलें, ठीक है, ताकि एक टीम स्पिरिट बनी रहे और एक आपस में ट्यूनिंग बने, लोग एक दूसरे को जानें। ऑक्शन का भी पर्पस हमारा यही था कि हर टीम के अंदर डिफरेंट जो भी हैं कास्ट के लोग जो हैं, मतलब बेसिकली है तो रोडवंशी, उसके अंदर जो सब कास्ट हैं सब लोग आपस में जुड़े, जो लोग एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं वो भी एक दूसरे को जानने का मौका मिले। ठीक है, इस प्रीमियर लीग का आप मतलब लाइक कैसे पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं? ये हम सब ऑफिशियल्स जो हैं, 9 ऑफिशियल्स हैं हम लोग, तो सभी लोगों ने अपने अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। एक हमने क्या कहते हैं, जैसे ये प्लेयर्स वगैरह क्या कहते हैं, ग्राउंड वैसे परचेज, ग्राउंड रेंट पे लेना या, ठीक है, और कैटरिंग वगैरह को, और आपको को जैसे इनवाइट किया हुआ है, ठीक है, उस तरीके से सबको मिलजुल के। ओके, थैंक यू सो मच। इस लीग को करवाने का मेन पर्पस क्या है आपका? इस लीग को करवाने का हमारा मेन पर्पस है कि जितने भी यूथ अरोड़वंशी हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएँ, सब एक दूसरे को जाने पहचाने, आपस में मेल मिलाप हो फैमिलीज का और का, ये हमारा मेन मोटिव है। और ये नेक्स्ट प्रीमियर लीग कब होने वाला है? नेक्स्ट प्रीमियर लीग हम लोगों का सितंबर में करने का है, और पहले हम लास्ट ईयर हमने साल में एक बार किया था, अब हम इसको साल में 2 बार करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। और आपके प्रीमियर लीग के अंदर कोई मतलब जैसे आप ट्रॉफीज वगैरह तो देते हैं, पर कोई मनी कैश का कोई है? हाँ, वो भी हमारा प्राइजेज रहता है, विनिंग टीम को प्राइजेज का रहता है। इसके साथ साथ हम लोग क्रिकेट के साथ अब बैडमिंटन का भी है, वो भी हम जल्दी से जल्दी उसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अरोड़ वंश प्रीमियर लीग 2.0 ये आज यहाँ होने जा रहा है, इनका एक
ऑलरेडी लीक हो चुका है, और इनका मेन मोटिव होता है कि पूरे यूथ को इकट्ठा करना, मतलब साथ में एक फैमिली का एंजॉयमेंट भी होता है और एक कुछ ना कुछ इनकी एंटरटेनमेंट के लिए सारा ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे एंजॉयमेंट है, पूरी फैमिलीज आती हैं और अपना एंजॉयमेंट करके जाती है, तो ये बेस्ट होता है अरोड़ा फैमिली की ओर से। सो धन्यवाद, देखते रहिए न्यूज़ 21।